एंड दिस इज द पेंसिल। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। विजय का मरम्मत चल रहा है यहाँ पे अभी, एक घंटा हो गया अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, काम चल रहा है विजय का। वॉल स्टिकर ठीक है, ऐसे कुछ करना चाहिए अब घर में। एक तो दीवार जो है कर दिया हूँ और दो और दीवार बाकी है, उसको भी करना है। सही है। वेलकम बैक टू चैनल इरवान, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन फाइन। तो अभी मैं वापस घर आ गया हूँ। मैं उस टाइम गया था विजय के पास, ये बेड में सोया था और आतू गिर गया बेड से, पता नहीं कैसे। तो उसका जो कंधा था उसमें पेन शुरू हो गया, तो उसको मसाज करवाने गया था। बस इतना ही अभी तक हुआ है सीन, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। लोग को इंट्रो देना भूल गया था इसलिए स्टार्ट किया। विजय मुझे बोला कि उसको कुछ कपड़े चाहिए, मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं दो अलमारी पर भर गया है, तो मैं सोचा कि कुछ कपड़ा उसको दे दूं। आप लोग देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि मैं शर्ट नहीं पहन रहा हूँ, आजकल ज्यादा टी शर्ट पहन रहा हूँ, टी शर्ट ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। जो शर्ट है जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ वो मैं विजय को दे देता हूँ। तो कुछ शर्ट्स मैं निकाल दिया हूँ, मैं पुराना कपड़ा भी पहनता हूँ। लोग पता होगा अगर आप लोग पहले लोग देखें मंदिर वाला जो मैं काम कर गया था, उसमें क्या कलर करता हूँ तो कलर अच्छी लगता है, तो मैं पुराना कपड़ा भी पहनता हूँ उस वक्त। तो मैं सब पुराना कपड़ा नहीं दिया, जो पहनने लायक है वो मैं निकाल रहा हूँ, जो बिल्कुल पहनने लायक नहीं है उसको मैं पहनूंगा जब मैं काम करने जाऊंगा तब। तो अब बात करते हैं उस चीज का जिसको देखने के लिए आप लोग आए हैं। तो मैं इसको अनबॉक्स नहीं किया हूँ अभी तक, ये पूरा सील है। जैसे मैं वहां से आया तो मुझे पता चला कि एक पार्सल आ चुका है घर पे, तो खोलते हैं इसको। एंड दिस इज द पेंसिल, स्केच करने के लिए स्पेशली मैं मंगाया हूँ इसको। नॉट अ कलर पेंसिल, ये सिर्फ ब्लैक है। स्किन का जो अच्छा इफेक्ट आएगा इसमें अगर मैं स्केच करूंगा तो इसमें 27 तो पेंसिल का कॉम्बिनेशन है अलग अलग वेरिएंट्स में, मतलब कि हल्का या फिर डार्क या फिर लाइट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा कि अब मैं स्केच बनाऊंगा तो रियल इफेक्ट आएगा। आपने सोचा कि मैं स्केच बनाता सिर्फ एक 10B वाला पेंसिल था, एक नटराज था, एक ब्लैक वाला था सेट्स के लिए, तो बस तीन पेंसिल है, मैं उतना सारा स्केच बनाया हूँ। अभी मेरे पास 27 तो ऑप्शन है, तो इसमें आप जान सकते हैं मैं कितना सारा अच्छा स्केच बनाऊंगा। तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर स्केच देखना आपको पसंद है तो। और मैं आप लोगों के लिए भी जरूर स्केच बनाऊंगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं अपना फोटो के साथ, तो आपके लिए भी एक स्केच रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है इंस्टाग्राम का, जरूर जाके फॉलो करो तभी पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे आप मुझे अपना फोटो दे सकें तो मैं स्केच बना सकूंगा आपका। तो अब इसको खोलते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका अच्छा से डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये जो पेंसिल आप लोग देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है ब्लैक, ये अप्सरा का है ब्लैक पेंसिल, जिसको हम लोग आउटलाइन बना सकते हैं और हेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6B पेंसिल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है लेकिन 10B से कम। ये H पेंसिल के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी इसे शेडिंग के लिए यूज करूंगा। और ये है 2B, ये थोड़ा सा लाइट होता है, 3B उससे थोड़ा डार्क, और ये 3H, तो ये इसी पेंसिल के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ये रखता है। एंड इट्स 10B पेंसिल माई फेवरेट, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और यहाँ पे आता है एक हार्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आता है एक सॉफ्ट का ऑप्शन, और एक और हार्ट, एक मीडियम, एक सॉफ्ट और एक हार्ट, मतलब ये जो है तो ये सब डबल डबल दिया गया है, जो कि अच्छा बात है क्योंकि अगर मैं ख़त्म कर दूंगा, ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो ख़त्म हो जाएगा, तो एक मेरे पास होगा। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी सॉफ्ट और हार्ड का है, पूरा ब्लैक होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक होता है। स्पेशली मैं इसमें हेयर बना सकता हूँ, मुझे हेयर बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिया एक ब्लू, जो कि हम लोग आईज बना सकते हैं, ब्लू आईज हिप्नोटाइज आई थिंक दिस सिमिलर टू। एंड इट्स अ रेड क्रियोन, ये किस यूज़ के लिए मुझे नहीं पता। और साथ ही में दिया एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रश, आप लोग बता दूँ ये ब्रश क्या काम आएगा। जब मैं स्केच बनाऊंगा उसके ऊपर शेडिंग करने के लिए ब्रश को हल्का पानी में डुबो के और थोड़ा सा सेट करना है, तो ये अच्छा इफेक्ट देता है, इसीलिए इसमें ब्रश दिया गया है। और ब्रश के बाजू में है एक पेन, सॉरी ये पेन नहीं, ये पेंसिल पेन है, इसमें बहुत थोड़ा लीड होता है और इसका ज़रूरत नहीं था फिर भी ये दे दिए, तो अच्छा बात है ये सेट करने के लिए बस। और ये शेडिंग के लिए सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है, मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। तो इसमें भी अलग अलग नंबर दिया हुआ है, जैसे आप इसमें #2 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक है ऑप्शन, ये सेट्स के लिए होता है, इसको भी हम शेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले आपको पता होगा कि उंगली यूज़ करता था, अभी उंगली यूज़ नहीं करना है, अभी ये यूज़ करना है। मामूली सा कटर, ये देख के मुझे पता चला कि ये उतना अच्छा क्वालिटी का कटर नहीं दिया है। और यहाँ पे एक नॉर्मल इरेजर, चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये एक मामूली इरेजर है, बट मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से।
ये जो इरेजर है आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है डस्ट फ्री इरेजर, मतलब ये डस्ट फ्री इरेजर है, देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में, तो ये आसानी से नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिला। तो मैं कभी डस्ट फ्री इरेजर का यूज नहीं किया हूँ, ये फर्स्ट टाइम करूंगा, बस इतना ही है। मतलब कि मैं जो चीज नहीं देना चाहिए वो भी दे दिया, मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से कुछ सामान है, तो मैं एक्सपेक्ट थोड़ा ज्यादा का किया था। 47 पीसेस का ऑप्शन था, मुझे लगा इससे पेंसिल का मात्रा ज्यादा होगा जो मैं चाहता था, लेकिन पेंसिल का मात्रा ज्यादा नहीं है, और भी ऐसे चीज है जिसका मुझे जरूरत नहीं था उसको मिला के 27 कर दिए, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं, बस बाकी मैं एडजस्ट कर लूंगा। आई थिंक इसका जो बैग दिया है इसी के साथ पैसा ले लिया है। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते लेना चाहते हैं तो मैं आप लोग बोलूंगा कि आप लोग इसे मत लीजिए, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, अराउंड 600 तक है। एक और ऑप्शन है जिसमें सिर्फ पेंसिल आता है जो 200 से 250 लेता है फ्लिपकार्ट में, तो वो भी बहुत अच्छा है, मैं एक्चुअली मुझे उसको वो लेना था लेकिन अब मैं ये ले लिया हूँ तो ये आ गया है, तो समझ हो ना। तो अभी बहुत अच्छा अच्छा स्केच आने वाला है, मैं इसको यूज करूंगा, पहला स्केच में डालूंगा इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जरूर देखेंगे। और इंस्टाग्राम फॉलो जरूर करेंगे, वहाँ पे फोटो आता है, इंस्टाग्राम यूट्यूब में फोटो डाल नहीं सकता, तो इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करेंगे। तो मैं अभी मूवी देखा था द टुमारो वार, क्या मूवी है, बट मैं पूरा नहीं देखा, देखा हूँ आधा में ही बवाल। ये भी टाइम ट्रेवल वाला ही है, 2050 में बहुत से एलियन लोग आ गए जो 90% ह्यूमंस को खत्म कर चुके हैं, तो वहाँ के जो कुछ बचे हुए सिपाही हैं जो वापस से हमारे इस टाइमलाइन में आते हैं टाइम ट्रेवल करके, और हमारे यहाँ के सिविलियन लोगों को लेके जाके वहाँ पे लड़ाते हैं, एलियंस को मारते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो ये हॉरर मूवी है, क्योंकि मैं तो आधा देखा हूँ, लेकिन आधा में ही मैं बहुत डर गया था, क्योंकि इतना अच्छा ग्राफिक्स और एलियंस को दिखाया गया इतना डरावना तरीका से, तो ये बिल्डिंग में घुस रहे हैं गन लेके और वहाँ पे एलियन लोग छुपे हुए हैं, तो जो साउंड आता है, जो माहौल फील होता है, जो माहौल बना देते हैं डरावना वाला, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये हॉरर मूवी है। इतना धूप हुआ है, कौन बोलेगा कि कुछ देर पहले ही बादल किया था, जब मैं बाहर था तो इतना तेज बादल था, पूरा अंदर लगा कि अब बारिश होने वाला, और अभी कड़क धूप। ओके गाइस, तो मैं खाना वाना खाने के बाद आया थोड़ा सा फील्ड में टहलने, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप कम हो गया है इसीलिए, फिर भी पसीना होता है, राउंड मार दिया हूँ फील्ड का, इसलिए थोड़ा सा इतना पसीना आ रहा है। क्या बोल रहा था, हाँ, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का ये ब्लॉग भी छोटा है, इससे पहले वाला ब्लॉग भी छोटा था, ये ब्लॉग भी छोटा है, खत्म करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग के बिहाइंड द सीन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुझे करना पड़ता है, जो मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकता। ख्वाहिश रखता हूँ मैं भी कि डेली ब्लॉग करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक दो दिन छोड़ के ब्लॉग आता है, लेकिन ख्वाहिश है कि डेली ब्लॉग करूँ, तो उसके लिए आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए मुझे। सपोर्ट आपको कैसे करना है, लाइक और सब्सक्राइब करके, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलती है कि ब्लॉग डालने के लिए डेली रेगुलर, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो बस आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नया साथ फिल्म लेके चलते चलते, बाय। तो ये जो बना है लटकने के लिए, तो सोच रहा हूँ कि